सुखी वो ही बंदा है जिस बंदे का भरम दूर हो गया। जिहड़े बंदा जिहड़ा बंदा भरमा च पिया है वह बंदा कदे सुखी नहीं होगा। आ पिछे जे एक खबर आई कहिंदे कोई बड़ा वड्डा तनहार व्यक्ति अपने बिजनेस दे वजों किसी ज्योतिषी दे कोल गया। उन्हें कहा जी बिजनेस दे विच बड़ा घाटा पै रहा की करिए। ज्योतिषी ने अगों आख्या जी आ नारियल लै जा, रस्ते दे विच कोई दरिया आवे नदी आवे ते उहदे विच सुट दवी तेरा पार उतारा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो तनाड़ सी, उन्हें सोचिया भी चलो मैं उधर नूं जाना है, रस्ते विच बैंक पैंदा है, बैंक च मैं नाल पैसे भी जमा करा लवांगा। उन्हें दो लिफाफे एक कलर दे लए, एक च नारियल बन लिया, ये खबर आई सी, एक च नारियल बन लिया, दूजे ते 3 लाख रुपया बन लिया। थोड़े दिनों की गल है, एक च नारियल दूजे च 3 लाख रुपया। तो अचानक जदों वो कार विच जा रहा सी, रस्ते दे विच कोई नहर छोटी जी आई, उन्हें कार खलालन की बजाए इदा ही बैक साइड तो लिफाफा चुकिया ते पवा के उस नहर विच सुट दिता। जदों पता लग्या भी नारियल की जगह ते मैं 3 लाख रुपया सुट दिता है, पसीनों पसीनी हो गया, दिल दे दौरे पैण लग पे, हाए लुट गया, हाए बर्बाद हो गया। उस नहर विच जिहड़े बच्चे नहा रहे सन उन्हां बच्चियां नूं उन्हें हाल पा रहा मचाई, उन्हां बच्चियां ने 2 लाख रुपया उहदा कढ के तां दिता, लेकिन 1 लाख रुपया कितें रुड़ गया पता ही ना लगा। वेखो भरमां दे विच पई होई दुनिया, सो सुखिया जिस भरम गया। धनवाद करो सारे हाथ जोड़ के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, बाबा तेरा कोटान कोट धनवाद, तू सानू इन्हां चक्करां विच नहीं पाया। नारियल की बजाए 3 लाख रुपया पवा के विच मार दिता। तो इन्हां वहमां भरमां ने संसार नूं ठगिया, दुनिया नूं भरमां दे विच पाया, संसार की तबाही का कारण बने ने। इन्हां भरमां ने संसार का भलिओ सवारिया कदे कुछ नहीं है। सूतक पातक का भरम, जात पात का भरम, ऊच नीच का भरम, वहमां भरमां आदिक होर भी कई गल्लां ने। और इत्थों तक छोटे छोटे भरम साडे पिंडां विच बने होए ने। कितें असीं काम नूं जाणा होवे ते कोई बच्चा पिछों आवाज़ दे दवे ना, कोई बंदा अचानक आवाज़ दे दवे, काम जांदे नूं पिछों जे आवाज़ पै जे, अखां लाल करदा जोड़ा झाड़दा ऐ, ओए गुरु ग्रंथ ते तेरा विश्वास है नहीं, वेखा वेखी एवें सिर मारदा ऐ। आवाज़ पै गई, बच्चे ने कहा पापा कित्थे जा रहे हो, उन्हें पछां मुड़ के देखिया नाले 4 गालां कढ़ियां, नाले जुत्ती ला के झाड़ी, ते नाले घरवाली नूं कहिंदा भागां वाली हुण गिलास पानी दा दे फिर पी के जावांगा, अपशगन हो गया। आवाज़ पै गई ते अपशगन हो गया। रस्ते विच तुरे तुरे जांदे दे सामने कितें खोता हींग पवे तां वी अपशगन, बिल्ली लंघ जावे तां वी अपशगन। ते सिंघां जोधियां ने की कमाल कीती, सिंघां ने इत्थों तक रौ रीत चला ली सी कि जदों वह तुरे जाते सन तो जिन्हां नूं ब्राह्मण जी कहिंदे सी नीवी जात वाला बंदा मिल जाए तो सारे काम जिहड़े ने बर्बाद हो जाते ने, सौरदा कोई नहीं। सिंघां दे बोलबाले बन चुके सन कि रस्ते च जांदियां कोई नीवी जात वाला मिल जाए ना तो अरदास करो, आखो वाहिगुरू तेरा कोटान कोट शुक्र हुण कम रास हो जाएगा। देखो भरमगढ़ नूं तोड़न दा तरीका यह भी बड़ा वधिया सी। ते जे रस्ते जे ब्राह्मण जी मिल जाते सी उच जाती है जिहड़े कहिंदे सी बाकी सारे नीवे मैं सभणा दा सरदार, ते सिंघ सूरमे कहिंदे सी हुण कम दा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हुण सौरना ही नहीं। एक तरीका उन्होंने अपना बना लिया तां कि किसे ना किसे ढंग तरीके नाल वहम भरम दूर हो जाण। चंगी माड़ी जगह दा भरम यह भी बड़ा साडे मन दे विच है, और सूतक पातक दा ते अज तक भरम है साडे पिंडां शहरां दे विच। वेखो जिहड़ी औरत ने बच्चा जन के साड़ी झोली च पाया, जिस दे कारण सारे घर च खुशियां खुशियां ने, उस औरत नूं एक साइड ते ला दिता जांदा जी ये पिटी गई है, सूतक वापर गया, ये पिटी गई, झूठी हो गई। पर कुछ खास समा खास दिन मिथे जांदे ने, जे इन्ने दिन लंघणगे असीं अमृत तैयार करावांगे, भाई साहब कल्ले आउणगे, कृपान फेरनगे, पतासियां दे घोलणगे, ते ओ छकेगी बीबी ते फिर सुच्ची हो जाएगी, फिर चुल्हा चौंकां नूं दे दिता जाएगा। की ये भरम नहीं है? क्योंकि रहत मर्यादा विच तां ऐसा कोई जिक्र नहीं। देखो किड्डे किड्डे वारे वड्डे साडे भरम है। निक्की जी एग्जाम्पल दे के समाप्ति वल वधांगा। असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश घर विच करना होवे, अखंड पाठ साहिब रखना होवे ना, ते असीं किन्ने भरम करदे हां, नारियल लिया, जोत जगा, दीवे जगा, धूफां तुखा, फिर कुंभ रख, इदां दे पता नहीं किन्ने परम।
जबकि अकाल तख्त साहब की बनाई हुई रहत मर्यादा वजो उहदे विच किते नहीं लिखिया गया, सगों मनाई की गई ये सब विप्रवाद है, ये तुसी नहीं करना है। असी मुड़ के दोबारा फिर उहदे विच आ गए। इत्थों तक असी गुरु साहिबान भी नाल ही नाल अपने रख लिया, सचियां झूठियां कहानियां नाल जोड़ लिया। मैं बेनती करांगा कि गुरबाणी नूं अपनी सोच मुताबक मत पढ़ो, गुरबाणी की सोच के मुताबक अपनी सोच नूं ढालो। बाबा